फाइनली दोस्तों आज आपके सामने हाजिर है 2023 की न्यूली लॉन्च बजाज ट्रैम्प स्पीड 400 का E20 OBD2 मॉडल ब्लू कलर में। इस बाइक में क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है, कितने किलोमीटर पर आपको बाइक की सर्विस करानी है और बाइक की अब ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। कलर की बात करें तो ये है स्पीड 400 का ब्लू कलर, बाकी ब्लैक और रेड कलर भी आपको मिल जाएगा। हेडलाइट के सेंटर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैम्प का छोटा सा लोगो है और यहाँ पर आपको मिलती है ऑल LED डे टाइम रनिंग लाइट और यहाँ पर आपको मिलता है लो बीम का सेटअप। तो हाई बीम को ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं इंजन को ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप इसकी लाइट की लो बीम देख पा रहे हैं और ये है भाई इसका पूरा का पूरा हाई बीम का लाइट का पूरा सेटअप। तो नाइट में काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी और साइड में आपको LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। दूसरा इसमें आपको हैजार्ड का भी स्विच का भी इस्तेमाल कंपनी ने किया गया है। हेडलाइट का जो वाइजर है वो आपको मैट ग्रे कलर का मिलता है और इसके फ्रंट में 140 mm व्हील ट्रैवल के साथ 43 mm डायमीटर के अपसाइड डाउन बिग पिस्टन फॉर्क वाले यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के USD फॉर्क मिल जाते हैं फ्रंट में। और साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइप सी का केबल वाला चार्जिंग का पोर्ट मिल जाएगा। इसका जो अगला मडगार्ड है ये साइज में छोटा है लेकिन ये प्लास्टिक बॉडी का, ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं नट्स के साथ ये भी आपको प्लास्टिक बॉडी के मिलते हैं हाई क्वालिटी मटेरियल के साथ। और बाकी ये ट्यूबलेस टायर है रेडियल वाला, 110/70/8/17 इसकी प्रोफाइल है, 17 इंच का ब्लैक कलर का अलॉय व्हील दिया गया है। साइड में चलते हैं, सेफ्टी की बात करें तो डुअल चैनल EBS मिलता है, 300 mm की डिस्क फ्रंट में आपको मिल जाती है जिसमें वाइब्रेक कैलिपर और 4 पिस्टन रेडियल कैलिपर का यहाँ पर कंपनी ने यूज किया गया। बाकी जो टायर की ग्रिप है आप देख सकते हैं सिटी में चलाने के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और टंकी के ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैम्प का बड़ा सा ग्राफिक्स दिया गया जिसमें फ्लैग को भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं 13 लीटर की मेटल बॉडी की टंकी है जिसमें ब्लू कलर, ग्रे कलर और डार्क ग्रे कलर को इस्तेमाल किया गया है। पूरा का पूरा टैंक मेटल बॉडी का, ये E20 OBD2 वाला बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल आप देख रहे हैं जो कि कोलकाता में लॉन्च हो चुकी है। यहाँ पर इंजन के नीचे में आपको मिल जाता है हैजार्ड का स्विच और नीचे में सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया अलग से। सबसे पहले आप इसके साउंड को सुने आइडल में, अभी थोड़ा सा रेस देता हूं, तो कैमरा में आपको इसका साउंड उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, रियल लाइफ में देखोगे तो भाई आपको इसका जो साउंड है वो काफी ज्यादा लाउड लगेगा। बाकी जो हैंडल बार आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी पाइप वाली नॉर्मल मिलती है, ट्रैम्प की बैजिंग है और इसकी जो चाबी है यहाँ पर आपको ट्रैम्प का लोगो मिलता है। दूसरा इसमें आपको सेफ्टी फीचर की इमोबिलाइजर वाला फीचर्स मिलता है जैसा कि यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलती रहती है चाबी निकालने के बाद भी। इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप मिलता है जिसमें यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया एनालॉग में, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, एरर इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, लो फ्यूल और ABS और इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाता है। और यहाँ पर TC की इंडिकेशन है, हेडलाइट है और इंजन टेम्परेचर और ऑयल इंडिकेटर, हेडलाइट, इंजन माल फंक्शन की लाइट और की इमोबिलाइजर वाली यहाँ पर आपको वार्निंग की इंडिकेशन मिल जाती है। यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है और फाइनल ट्रिप की रीडिंग देख सकते हैं, साइड स्टैंड की वार्निंग, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक आई वाली बटन मिलती है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप ट्रिप 1 देख पाएंगे, ट्रिप 2 देख पाएंगे, KMPL देख पाएंगे। बाकी इसमें आपको जो है वो 165 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास टॉप स्पीड इसकी निकाली जा चुकी है। स्विचेबल यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, राइड बाई वायर का यहाँ पर आपको सिस्टम मिल जाता है और साथ में आपको स्लीपर क्लच भी मिल जाएगा। बाइक का जो माइलेज है वो रहने वाला है लोकल में 29 का और हाईवे पर ये बाइक आपको दे देगी आराम से 35 KMPL तक का माइलेज। स्विचेस की बात करें तो यहाँ पर पासिंग का बटन दिया गया है, और पर डिबर इंडिकेटर और हॉर्न, हॉर्न बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है इसका और यहाँ पर बार एंड मिरर मिल जाते हैं। सीट कंफर्ट की बात करें तो मैंने इसको फर्स्ट राइड में नॉनस्टॉप 90 किलोमीटर राइड किया था बारिश के मौसम में और सच बताऊं तो इसकी सीट के अंदर की कुशन की वजह से मुझे लॉन्ग राइड करने में कोई भी थकावट वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं हुई थी। और पीछे में ट्रैम्प की बैजिंग है, सिंगल पीस यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, सिग्नेचर LED टेल लाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है, साथ में LED वाले इंडिकेटर मिलते हैं। पिछला जो मडगार्ड है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, देख सकते हैं काफ़ी स्पोर्टी फील कराता है। 150 mm का वाइट टायर यहाँ पर आपको मिल जाता है वो भी रेडियल में,
और दूसरा यहाँ पर जो चाइनीज पॉकेट सेट है वो आपको राइट हैंड साइड में मिलता है, जबकि और नॉर्मल बाइक में आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है। ये जो स्विंग आर्म है वो आपको एल्यूमिनियम वाला दिया गया, यहाँ पर व्हील एडजस्टर भी आपको मिल जाता है। 150/60/8/17 का यहाँ पर आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है 17 इंच के एलॉय के साथ। बाकी रियर में आपको मिलता है गैस मोनोशॉक प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ 130 mm व्हील ट्रेवल वाला यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर मड फ्लैप मिलता है। चौड़े टायर की वजह से ना इस बाइक की जो पीछे वाली रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी खतरनाक है। पीछे में यहाँ पर 230 mm डायमीटर की डिस्क मिलती है जिसमें ABS आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड दिया गया, ये अच्छा चीज़ है कि भाई कोई भी पल्लू वगैरह ना जा पाए। यहाँ पर आपको एक एडजस्टेबल फुटपैक्स मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा स्टील मैट फिनिश का इस्तेमाल किया गया। 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है, साथ में स्लीपर क्लच भी इस बाइक में दिया गया दोस्तों। तो काफ़ी फुली फीचर्स लोडेड बाइक है। साइड स्टैंड मिल जाएगा, मेन स्टैंड आपको नहीं मिलेगा। ट्रायम्फ की बैजिंग दी गई है। एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, इसके जो सिलेंडर हेड के जो फिन्स हैं वो भी काफ़ी बोल्ड लुक में है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टील की प्लेट लगाई गई है। क्रैश गार्ड यहाँ पर आपको स्प्लिट वाला मिल जाता है। दूसरा इसका जो रेडिएटर है वो आपको लिक्विड कूल्ड वाला यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिससे आपको कोई भी ज़्यादा हीटिंग की दिक्कत इंजन में नहीं आने वाली है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर रेडिएटर का इस्तेमाल किया गया है। इंजन गार्ड आपको प्लास्टिक का मिलता है। 158 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि थोड़ी सी कम है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो साइलेंसर, ये जो एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं, टोटल हाई स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर टोटल यूज किया गया। टोटल स्टील वाले ही यहाँ पर आपको मफलर गार्ड मिल जाते हैं। देखने में जो साइलेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और काफ़ी हाई क्वालिटी का इसमें दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो राइडिंग पोजीशन के बारे में बात करें तो थोड़ी सी सेंटर में ही आपको मिल जाती है, हल्के से ही फुटबैक्स पीछे की तरफ हैं। यहाँ पर TR सीरीज का ये एक 400cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये डोमिनार वाला इंजन नहीं है, ट्रायम्फ का खुद का ही इंजन है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 398cc का लिक्विड कूल्ड 4-valve सिंगल सिलेंडर DOHCFI वाला इंजन दिया है, जो मैक्स पावर देता है 40 PS की, 40 PS की मतलब कि 39.5 BHP की पावर देता है 8000 RPM पर, और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6500 RPM पर। वाइब्रेशन की बात करें तो 120 की स्पीड तक बाइक को अगर आप चलाते हैं तो वाइब्रेशन वगैरह आपको फील नहीं होंगे। ऊपर ही अगर आप थोड़ा जाते हैं तभी आपको फील होंगे। स्पीड 400 यहाँ पर 3D में है। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी का कवर है और रियर सब फ्रेम ऑन बोल्ट का यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल किया गया। अगर इनकेस एक्सीडेंट भी हो जाता है तो पूरा चेसिस आपको चेंज नहीं कराना पड़ेगा। ये है इसका चेसिस, और जो स्विंग आर्म है वो भी इसका टोटल अलग दिया गया है। 790 mm की सीट हाइट है, 1377 mm का व्हील बेस है। बाइक की सर्विस के बारे में बात करें तो 16,000 किलोमीटर के बाद में आपको इसकी सर्विस करानी है, 12 महीने के अंतराल में, जो भी टाइम पहले पूरा हो जाए। मतलब जो पहली सर्विस है वो आपकी वही नॉर्मल रहेगी, 500 से 1000 के बीच में। और प्राइस की अगर हम बात करें तो स्पीड 400 की जो एक्सशोरूम कीमत है वो है 2,33,000, और इसकी फाइनल ऑन रोड कीमत है कोलकाता में 2,82,000 पे, 2,82,000 रुपीज, जो मैंने आपको बताई है स्पीड मोटोकॉप तिलजला रोड ट्रैम शोरूम की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट करें अपनी सिटी का नाम, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।